अनंत काल का स्वर्ण युग कहने के कारण क्या है? कला की चरम उत्पत्ति, चरमोन्नति का युग, वैदिक सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का युग, धार्मिक सहिष्णुता का युग, विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रसार का युग, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने की समीक्षा, महासम्राटों का युग, राजनीतिक एकता का गुण, शांति और सुव्यवस्था का युग, साहित्य के उत्कर्ष का युग, वैज्ञानिक उन्नति का युग। गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, विवाह प्रथा और स्त्रियों की दशा, ये गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था निम्न प्रकार से थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अयोग्य उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, नई शक्तियों का उदय, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव, प्रशासनिक कमजोरियां, आर्थिक कारण, सामंतों के विद्रोह, प्रांतपतियों के विशेषाधिकार, सैनिक कारण, धार्मिक कारण, गुप्तकालीन रणनीति, साम्राज्य की विशालता। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक को किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम में। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। हरिशयन किसके दरबार कवि थे? समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? वी स्मिथ ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान कौन था केंद्र था? उज्जैन। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल की राजदरबारी भाषा संस्कृत थी। किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? स्कंद गुप्त ने। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहते हैं? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख ने सक्रोप कहा था? कहोम स्तंभ लेख ने। भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? अभिज्ञान शकुंतलम। बल विवाह की प्रथा का प्रारंभ हुई गुप्त काल में। सती प्रथा का उल्लेख एरंड अभिलेख से मिलता है। हरिशयन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। हरिशयनन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक को लेख मिलता है? श्रीगुप्त। रिद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक घटोत्कच को माना गया। समुद्र गुप्त का शासन काल था 335 से 380। बराह मेरे की रचयिता है बृहद संहिता। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अधिधर्म कोश की रचना बसुबंधु ने की थी। पारा का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान की थी? आर्यभट्टीय युग में। इतिहासकार बी स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया उसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। गुप्त काल में ही चंडी के सिक्के को कहा जाता था रूपा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख से मिलता है। अभिलेख की सती का है 510 ईस्वी का। शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल के इस काल में। पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? पूर्ण जन्म। पूर्व में मीमांसा की रचना जैमिनी ने की। किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगर वीडियो अच्छा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।